हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉली चौधरी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक लौकी, जिसे अच्छे से छील लिया है। इसके बाद हम इसको घिस लेंगे। देखिए, घिसने के बाद लौकी हमें कुछ इस तरह मिलेगी। अब हम इसमें दोनों हाथों से दबाकर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे, नहीं तो कोफ्ते अच्छे नहीं बन पाएंगे। अच्छे से दोनों हथेलियों की सहायता से इसे दबाएंगे, जिससे कि सारा पानी जो है वो निकल जाए। लौकी को निचोड़ने के बाद हम एक अलग बर्तन में रखेंगे। देखिए, मैंने सारी लौकी निचोड़ ली है, अब इसे एक बर्तन में किया है। इसमें हम मिक्स करेंगे बेसन। अब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन दोनों हथेलियों से मसल कर डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हमें इसमें पानी नहीं डालना है। देखिए, मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से मिलेगा। अब हमें अपनी दोनों हथेलियों पर चिकनाई लगाकर थोड़ा थोड़ा लौकी का मिक्सचर लेकर कुछ इस तरह से गोलियां बनानी हैं। मैंने सारे मिक्सचर की गोलियां बनाकर रख ली हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें मीडियम फ्लेम पर हमने जो गोलियां बनाई हैं इन्हें तेल में छोड़ देंगे। इन्हें अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। देखिए, हमारे लौकी के पकौड़े कुछ इस तरह बनकर तैयार हुए हैं। अब हम दूसरी कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा तेल, उसमें डालेंगे हींग, दालचीनी, तेज़पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई प्याज। मैंने इसमें लगभग 4 बड़े प्याज लिए हैं, साथ ही 3-4 लहसुन की कलियां भी उसी के साथ पीस ली थी। अच्छे से प्याज लहसुन भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे देगी मिर्च और हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ टमाटर। ये भी मैंने 4 बड़े टमाटर लिए थे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम सारे मसाले, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये भी मैं दोनों हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कटोरी दही। इसे भी हम अच्छे से चलाएंगे और मिक्स करेंगे। लगभग 5-7 मिनट इसको अच्छे से चलाएंगे, जिससे ये अच्छे तरीके से भुनकर तैयार हो जाए। लगभग 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए, हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैं इसमें लगभग 1.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे। हमें इसे लगभग 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाना है, जिससे हमारी ग्रेवी अच्छे से पककर तैयार हो जाए। हम ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे, लेकिन अभी इसमें हम कोफ्ते नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि कोफ्ते डालते ही सारा पानी सोख लेते हैं, इसलिए कोफ्ते हम सबसे लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। बीच बीच में हम ग्रेवी को चलाते रहेंगे।
ग्रेवी बनकर तैयार है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद हम मंदी आंच करके लगभग 4 से 5 मिनट से पकने देंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। यदि आप दही की जगह क्रीम डालना चाहें ग्रेवी में तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। देखिए, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी कोफ्ते की सब्ज़ी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आप भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपकी लौकी के कोफ्ते कैसे बने। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप रोटी, पराठे, किसी के भी साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे जो लौकी खाना पसंद नहीं करते, वो भी आपसे बार बार डिमांड करके इस सब्ज़ी को बनवाएंगे। देखिए, मैं आपको कोफ्ते चेक करा रही हूँ। हमारे लौकी के कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।